आज की इस नए वीडियो में मैं अक्षय चार्य जी आपका दिल से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न छठवां सवाल। इन्हें लिखा है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटती है एवं जिसकी प्रवणता 5/4 है। जो प्रश्न पांचवा है उसे जस्ट ये उल्टा है। देखो ध्यान देना, इसमें 3 माप का अंतःखंड काटती है। तो पहले समझ लेना सरल रेखा का समीकरण क्या थी। तो सरल रेखा के समीकरण का पहले सूत्र याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला इसका होता है, याद रखना फॉर्मूला, याद रखना सरल रेखा का समीकरण का क्या होता है। सरल रेखा का समीकरण ये होता है, सरल रेखा का समीकरण इसका फॉर्मूला याद रखना, सरल रेखा का समीकरण इसका फॉर्मूला होता है y बराबर mx प्लस c, y बराबर mx प्लस c। क्लियर है, ये इसका फॉर्मूला है सरल रेखा समीकरण का, y बराबर mx प्लस c, जिसमें से m को बोलते हैं प्रवणता और c होता है y अक्ष से काटा गया अंतःखंड। तो यहाँ पहले से प्रश्न बोला है y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटती है, तो अंतःखंड किसे दर्शाएंगे, c से, और प्रवणता को m से। अंतःखंड किसे दर्शाएंगे, c से, और प्रवणता को m से। तो यहीं पर इसको लिखना है। देखो y अक्ष से अंतःखंड मतलब पहले से दिया है प्रश्न में, लिख सकते हो इस प्रकार दिया है, y अक्ष से अंतःखंड बराबर कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा y अक्ष से काटा गया अंतःखंड, y अक्ष से काटा गया अंतःखंड, क्या इस प्रकार लिख सकते हो, अंतःखंड क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा 3। ध्यान देना c का मान है ये जो 3 है c, और प्रवणता 5/4, ये हो जाएगा प्रवणता, प्रवणता किसे दर्शाते m से, ये हो गया 5/4। क्लियर है, तो इन दोनों मान को इसमें रख देना। तो देखो y बराबर हो जाएगा, m का मान कितना आया 5/4, x को वैसे उतार देना, और c का मान कितना आ गया 3। मान को रखना है बस, अब यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या लिख सकते हो 1। और जब भी देखो दो भिन्न संख्या है, बीच में प्लस या माइनस आएगा, हमेशा इस प्रकार का गुणा होता है। तो देखो y बराबर हो जाएगा, देखो ध्यान से ऐसे गुणा करोगे तो 5 एकम 5x 3 चौ 12, ध्यान देना 5 एकम 5x 3 चौ 12, और 4 एकम क्या हो जाएगा 4। इस प्रकार गुणा करना, फिर से इस 4 का गुणा इसमें होगा, तो 4y का क्या हो जाएगा 4y बराबर 5x प्लस 12। याद रखना x को पहले लिखना है, फिर y को लिखना है, फिर संख्यात्मक मान, तो 4y को इधर ले आना, तो 5x ये प्लस उल्टा क्या हो जाएगा -4y, और 12 को ऐसे लिख देना, इधर क्या बचेगा 0। तो इसको जमा के इस प्रकार लास्ट में लिख देना, क्या हो गया 5x-4y+12=0। यही क्या है सरल रेखा का समीकरण है। सरल रेखा का समीकरण जो होता है, x होता है y बराबर mx plus c, x y और एक अचर संख्या होता है अचर पद। क्लियर है, इसमें इतना ही याद रखना है, प्रवणता को m से, और जो अंतःखंड है उसको किसे c से, और उसमें मान रखना है, इसको क्या करना है कैलकुलेशन। क्लियर है इतना, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।